अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फेथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे पास जितने भी कीबोर्ड्स होते हैं, यानी कि जिस तरह हमारे कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया या हमारे सेलफोन के अंदर जो कीबोर्ड्स होते हैं, इनके अंदर ABC के जो अल्फाबेट्स हैं, इनको एक तरतीब में क्यों नहीं लिखा जाता, यानी कि ए से जेड तक एक कंटिन्यूअस तरतीब के अंदर, एक रिदम के अंदर क्यों नहीं लिखा जाता। ए कहीं पे पड़ा होता है, एस कहीं पे होता है, बी कहीं पे होता है, यानी कि ये इस तरह से इनको रैंडमली क्यों डाल दिया गया, इनको एक तरतीब से क्यों नहीं लिखा जाता। तो अब आप में से शायद बहुत से लोग ये सोचते हो कि इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होगी, ऐसा ऐसे ही कर दिया गया होगा या बाय चांस ऐसा हो गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आप लोग शायद ये भी सोच रहे हो कि शुरू से ही ऐसा होगा, तो शुरू से भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों चीजों की रीजन मैं आपको बताता हूं। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे तब टाइपराइटर्स होते थे, जब बिल्कुल टाइपराइटर्स होते थे उनके अंदर इंक वगैरह डाल के और पेज को रख के आप कॉलम्स या जो भी चीज लिखना चाहें, आप टाइप करना चाहें, आप टाइपराइटर की मदद से उसको टाइप किया करते थे। तो जब टाइपराइटर्स को स्टार्ट किया गया था तो स्टार्टिंग में ABC को टाइपराइटर के अंदर एक तरतीब में ही रखा गया था, लेकिन जब उसको तरतीब में रखा गया था यानी कि ए से जेड तक एक सीक्वेंस में उसको रखा गया था, तब लोगों को टाइप करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती थी और वो इतनी ज्यादा तेजी से टाइप करते थे कि टाइपराइटर जो होता था वो खराब हो जाता था। तो इसीलिए ये सोचा गया कि अगर हम इस चीज को, इन अल्फाबेट्स को तरतीब से रखते हैं तो लोग बहुत ही ज्यादा तेजी से टाइप करते हैं, लोगों को इसकी बहुत ही जल्दी आदत हो जाती है और वो बहुत तेजी से टाइप करते हैं, इसलिए टाइपराइटर खराब हो जाते हैं, फिर लोगों को शिकायत होती है। तो इस शिकायत को मिटाने के लिए अल्फाबेट्स को रैंडमली टाइपराइटर के अंदर डाल दिया गया, यानी कि टाइपराइटर में उनकी तरतीब को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, कोई लेटर कहां पे, कोई लेटर कहां पे, ताकि लोग बहुत ही ज्यादा तेजी से टाइप न कर सकें और टाइपराइटर खराब ना हो। तो उसके बाद लोगों को इसी चीज की आदत हो गई। तो जब कंप्यूटर बनाया गया तब भी टाइपराइटर्स हुआ करते थे, तो जैसे ही कंप्यूटर बनाया गया तो कंप्यूटर के अंदर भी हमें टाइपिंग के लिए कीबोर्ड की जरूरत थी, तो वहीं से टाइपराइटर से ही ये कॉन्सेप्ट लिया गया और कीबोर्ड में भी उसी तरह से रैंडमली अल्फाबेट्स को डाल दिया गया। तो दोस्तों, क्या आप इस चीज के बारे में पहले से जानते थे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।